हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बड़ा जबरदस्त आज मौसम मेलबर्न में हुआ है। काफी दिनों के बाद गर्मी आई है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग विंटर। आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि काफी लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने MBA किया हुआ है या मैंने बिजनेस स्टडीज किया हुआ है, और काफी मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि अब तुम्हारा PR नहीं हो सकता। काफी लोगों को इस बात कर अपने फ्रेंड से डिस्कशन करने के बाद डिप्रेशन में चले गए। वो ये चले गए कि यार, जो हमने स्टडी की, अपने स्पेंड किया, उस पर परमानेंट रेसिडेंसी नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली जो उनका गोल था वो पूरा नहीं हो रहा है। तो गुड न्यूज़ है उनके लिए जो कि बिजनेस कोर्सेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए PR पाथवेज डेफिनेटली होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोर्सेज किए हैं तो आपका PR पाथवे ना हो। चाहे आपने इंजीनियरिंग की हो, बिजनेस कोर्स किया हो, मार्केटिंग में स्पेशलाइज किया हो, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया हो, या इवन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में MBA किया हो, स्टिल अगर ऑस्ट्रेलिया में आपने 2 साल ये स्टडी पढ़ा है, या मिनिमम 3 ईयर्स बैचलर्स अगर आपने पढ़ा है, तो आपका PR हो सकता है। पाथवेज के लिए अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ये पाथवे किस तरह से हो सकते हैं। पहला पाथवे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे, वो है स्टेट स्पॉन्सरशिप। तो कोई भी आपसे कहता है कि यार, आपका कोर्स PR लिस्ट में नहीं है, आपका PR नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। PR पाथवे के लिए आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। आप सिर्फ PR पाथवे लिस्ट के पीछे नहीं भाग सकते, आप PR लिस्ट के पीछे नहीं भाग सकते। काफी स्टेट्स जो हैं, स्पेशली मैं आज बात करूंगा मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग, किसी ने अगर BBA किया हुआ है, बैचलर्स इन मार्केटिंग किया हुआ है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग में स्पेशलाइज किया हुआ है, दे कैन स्टिल बिकम अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। जी, एक चैलेंज आपके लिए रहेगा कि आपने 1 साल पोस्ट स्टडी वर्क करना है, मिनिमम 20 आवर्स पर वीक। पार्ट टाइम भी करेंगे तो एक्सेप्टेबल है। फॉर इंस्टेंस, आपने ओवरसीज से बैचलर्स ऑफ मार्केटिंग किया हुआ है, आप ऑस्ट्रेलिया में आके 2 साल पढ़ रहे हैं, से आपने परसू किया MBA, स्टिल आप ड्यूरिंग द स्टडी 20 आवर्स किसी जगह पर एज अ मार्केटिंग ऑफिसर या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर यू वुड एबल टू अप्लाई फॉर योर स्किल असेसमेंट, क्योंकि आपका प्रिंसिपल कोर्स बैचलर ऑफ बिजनेस मार्केटिंग आप ऑलरेडी पाकिस्तान में पढ़ चुके हैं। सो अल्टीमेटली आपका स्किल असेसमेंट हो गया, 2 साल आपने स्टडी कर ली। अब अगर आपने नॉर्दर्न टेरिटरी या तस्मानिया में पढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेट अवे आप ग्रेजुएट स्ट्रीम में जा सकते हैं और 190 या 491 स्टडी पर अप्लाई कर सकते हैं। वेयर एज अगर आप विक्टोरिया अदर स्टेट्स में, जहाँ पे ग्रेजुएट एंट्री नहीं है, तो आप 1 साल अब वेट करेंगे, ऑब्वियसली उनका स्टेट ओपन होने का। और काफी विक्टोरिया में एट द मोमेंट दे हैव गॉट द मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बीन इनवाइटेड, जस्ट बिकॉज वो टारगेट सेक्टर्स में काम कर रहे थे। सो देखें, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी आपसे कहता है, आपके फ्रेंड, टू डिसार्ट नाउ, मत सुने उनकी। जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल जबरदस्त कर रहे हैं। कोई भी कोर्स हो सकता है, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स है, चाइल्ड केयर का कोर्स है, कम्युनिटी वेलफेयर कोर्स है, सोशल वर्कर, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, जैसा मैंने बताया, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, या इंफॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऑल कैन अप्लाई फॉर द PR, बट यू नीड टू एटलीस्ट हैव द राइट अप्रोच टू द पाथवे। इसके लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप फॉरन जाएं, अपने रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट से बात करें और उनसे कहें कि हमें अपने ऑक्यूपेशन रिलेटेड पाथवे निकाल के दें, ताकि आप उस पर चल सकें और इजीली आपका परमानेंट रेसिडेंसी हो सके। थैंक यू।